हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पावर शेयरिंग 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, जिसके कुछ टॉपिक हमने पहले क्लियर कर लिए हैं। आज हम इसका लास्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो है आपका पावर शेयरिंग, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। इसमें हम ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे कि पावर कैसे शेयर की जाती है। अभी तक हमने बेल्जियम एंड श्रीलंका के मॉडल को पढ़ा था कि बेल्जियम में पावर शेयरिंग के किस मेथड को अडॉप्ट कर रखा है, श्रीलंका ने किस मेथड को अडॉप्ट कर रखा है। मेजोरिटी श्रीलंका में थी, जिसकी वजह से उनकी कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट्स को फेस करना पड़ रहा था। बट बेल्जियम ने क्या करा था, बेल्जियम ने पावर शेयरिंग को अडॉप्ट किया था। पावर शेयरिंग के मेथड को अडॉप्ट करने की वजह से ही बेल्जियम को किसी भी कॉन्फ्लिक्ट्स को फेस करना नहीं पड़ा, एंड साथ ही साथ उसकी पूरे वर्ल्ड में क्या हुई थी, रिस्पेक्ट हुई थी, जिसमें सभी ने, पूरे वर्ल्ड ने उसको रिस्पेक्टफुली फेस किया था। एंड ब्रसेल्स, जो कि बेल्जियम की कैपिटल है, उस कैपिटल में यूरोपियन यूनियन का एक हेडक्वार्टर भी बनाया गया था। ये बहुत ही रिस्पेक्टफुल की बात थी, किसके लिए, बेल्जियम के लिए। तो अब पावर शेयरिंग हमने पढ़ ली कि पावर शेयरिंग कैसे की जाती है, बट हम ये पढ़ेंगे कि पावर शेयरिंग किस टाइप से शेयर की जाती है। जो पावर होती है वो तो पढ़ लिया हमने कि पावर शेयरिंग इज अ गुड मेथड, पावर शेयरिंग एक अच्छा मेथड है, बट अब ये पढ़ेंगे ना कि करनी कैसे है, किसको कितनी पावर शेयर करनी है। अब ये भी नहीं है, अगर एक बंदे के पास रहेगी तो सारी चीजें सेम होगी। पावर तो शेयर हम कर रहे हैं, हम बोल भी रहे कि पावर शेयर बहुत अच्छा है, बट किसको कितनी पावर देनी है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा पावर का, इन सारी चीजों को ही पढ़ने के लिए आज हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। ये आपका पावर शेयरिंग चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जो आज इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं कि जो पावर शेयरिंग है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है, किस सभी को इक्वल दी गई है, किसको कितनी पावर दी गई है, इन सारी चीजों को कवर करेंगे। तो चलिए अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर सॉरी, ये सेविंग नहीं है, शेयरिंग होगा। पावर शेयरिंग, नॉट सेविंग, मिस्टेक हो गया। एन आइडिया एसोसिएटेड विद इट, पावर शेयरिंग एक गुड आइडिया है। पावर शेयर करने से ना बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को फेस करना नहीं पड़ता। जो कंट्री में एक कॉन्फ्लिक्ट्स की या वॉर की, सिविल वॉर बोल सकते हो, जो सिचुएशन स्टार्ट होती है उसको फेस नहीं करना पड़ता ड्यू टू पावर शेयरिंग। तो जैसे इसका फर्स्ट टॉपिक है, ऑल पावर ऑफ गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन और ग्रुप। अगर आज से हम पहले की बात करें, डेमोक्रेसी से भी पहले की बात करें, जब फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी नहीं थी या किसी ने इस बारे में नहीं सोचा था, किसी को इस चीज का आइडिया नहीं आया था कि हम इस टाइप से भी गवर्नमेंट को रन कर सकते हैं, तो उस टाइम लोगों की थिंकिंग क्या थी कि पावर अगर किसी वन पर्सन और वन ग्रुप के अंडर में हो, ऑल पावर ऑफ अ गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन एंड वन ग्रुप। अगर पावर किसी एक पर्सन या किसी एक ग्रुप के हाथ में होगी तो कंट्री बहुत अच्छे से रन कर सकती है, बहुत अच्छे से चल सकती है। पहले लोगों की ये थिंकिंग थी, ऐसा वो इसलिए सोचते थे कि अगर पावर डिवाइड कर देंगे तो डिसीजन लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। ऐसा वो क्यों सोचते थे, ऐसा वो इसलिए सोचते थे, देखो अब आप पावर शेयर करो, कोई भी डिसीजन लेना है तो आपको पहले सबसे कंसल्ट करना पड़ेगा। बट अगर किसी एक पर्सन के अंडर में पावर है तब आपको कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, तब आप क्या कर सकते हो, सिर्फ फेस टू फेस उस पर्सन से आप डिस्कस करो एंड पावर, जो भी आपको रूल एंड रेगुलेशन बनाने, आप अलाउ कर सकते हो। ग्रुप है तो एक सिंगल ग्रुप है, आपको किसी से डिस्कशन की जरूरत नहीं है। ये मेथड था पहले की, लोगों जो थे उनकी थिंकिंग में ये थी कि वन पर्सन इज अ बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड वन ग्रुप इज अ बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बट जैसे जैसे लोगों ने डेमोक्रेसी को समझा, डेमोक्रेसी को जाना, तो उन्हें डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा बेस्ट लगने लगी थी। और उसका मेन रीजन क्या था, डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है पावर को शेयर करना।
अब जब डेमोक्रेसी की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लोगों ने फेस किया, देखा, तो उनको उससे ज्यादा बेटर ऑप्शन ये लगा। और वो ऑप्शन बेटर इसलिए नहीं लगा, डिसीजन तो एक पर्सन लेता था बट लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। वन पर्सन के पास में अगर आप सारी पावर दे दोगे तो वो जाहिर सी बात है वो आप पर डोमिनेट ही करेगा, वो आपके ऊपर ही रहेगा, अपनी ही मनमर्जी चलाएगा, लाइक अ डिक्टेटरशिप। तो इसीलिए लोगों ने पावर शेयर को बेस्ट मेथड चूज किया और वन पर्सन वाला जो ये कॉन्सेप्ट था इसको पूरी तरीके से डिनाई कर दिया। और देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, एमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी। एमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी मीन्स डेमोक्रेसी आने के बाद में लोगों ने क्या फेस किया, पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। एमरजेंस के बाद में लोगों ने ये फेस किया, ये फील किया कि जो सारी की सारी पॉलिटिकल पावर है उनका जो सोर्स है वो कौन होता है, पीपल होती है। देखो डेमोक्रेसी के अंदर सभी जानते हैं डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या होता है, फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो एक गवर्नमेंट है उसका मतलब ही होता है रूल बाय द पीपल, इलेक्ट बाय द पीपल, मतलब सारी चीजें किसके थ्रू होती है, किसी भी पीपल के थ्रू होती है। तो सारा का सारा जो हैंडल कर रही है गवर्नमेंट को वो पीपल ही कर रहे हैं, पूरा का पूरा सोर्स ही लोग हैं। तो इसलिए डेमोक्रेसी को बेस्ट चूज किया गया। एमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी के एमरजेंस होने के बाद जब लोगों को ये पता चला कि कहीं किसी ना किसी तरीके से जो पॉलिटिकल पावर है उसकी सारी की सारी बागडोर तो किसने संभाल रखी है, लोगों ने संभाल रखी है। इलेक्शन में अगर लोग वोट देंगे तभी तो कोई पॉलिटिकल पावर जीतेगी, इसीलिए इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, इस मेथड को अच्छा माना जाता है। एवरीवन हैज अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज, और इसके अंदर हर पब्लिक की, हर पर्सन की अपनी एक वॉइस होती है जो वो रेज कर सकता है, किस चीज के लिए, शेप करने के लिए पब्लिक पॉलिसी बना सकता है, वो अपने डिसीजन दे सकता है, अपनी एडवाइस दे सकता है कि आप इसको इस तरह से भी मूव करके इसको ऐसे भी बना सकते हो। तो अब आप लोग खुद सोचो, अगर सारी पावर आपको दे दी जाए तो आप भी अपनी मनमर्जी चलाओगे, आप भी यही सोचोगे कि आप चाहे सही कहो या फिर गलत करो, आपको तो लगेगा ना कि जो आपका मेथड है वो सबसे बेस्ट मेथड है, और सारे के सारे लोग क्या करें, सारे के सारे लोग आपकी ही बात माने। बट के सामने वाले अदर पर्सन को आपकी चीजें पसंद आ रही है, मे बी ना उसको ना ही आएंगी पसंद, बट आपको तो आपकी चीजें पसंद आ रही है। बट लोग कर भी क्या सकते हैं क्योंकि पावर सारी की सारी किसके पास में है, सारी की सारी पावर आपके पास में है, तो इसलिए लोगों को आपकी बात को मानना पड़ेगा। बट इन केस अगर कंट्री में डेमोक्रेसी है, सारी की सारी इनडायरेक्टली पावर पीपल्स के पास में है, लोगों के अंडर में है, तब लोग आपको अपने कंट्रोल में करके रखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जो वो बोलेंगे वही करेंगे, बट मेजोरिटी ऑफ डिसीजन लेंगे, कि जो डिसीजन मेजोरिटी को फेस कर रहा है वह डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, और पब्लिक अपने जरिए जो उसको प्रॉफिट देगा वो उन काम को करा सकती है। तो एक पब्लिक जितनी भी पॉलिसी होती है उनको शेप देने का काम कौन करती है, पब्लिक करती है। पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इसके अंदर क्या होता है, जो भी पॉलिटिकल पावर होती है वो सबके बेस में डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम यहाँ पावर शेयरिंग के कुछ पॉइंट्स देखने वाले हैं कि पावर को शेयर किस टाइप से किया जाता है। आप ये देखिए, फर्स्ट लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं पहले। इन अ मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक मैनी फॉर्म्स, तो इसमें डेमोक्रेसी में पावर शेयर करने के लिए कुछ फॉर्म्स ऑफ अरेंजमेंट बनाए हैं, उन्हीं को अब हम पढ़ने वाले हैं। देखो फर्स्ट आपके सामने ये कुछ एक फिगर है, एक फोटो लगी हुई है, एक पिक्चर है। इस पिक्चर में आप देखिए, पहले कौन है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जुडिकल। लेजिस्लेटिव जो होती है, लेजिस्लेचर, उसका काम क्या होता है, जितने भी लॉ आज आप बनते हुए देख रहे हो वो सारे के सारे लॉ कौन बनाता है, लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट बनाती है सारे के सारे लॉ। लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है, लॉ मेक करना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, लॉ को फॉलो करवाना, लागू करवाना। और जुडिशरी, जुडिशरी तो सब जानते हैं, जज होते हैं, और वो जज क्या काम करते हैं, जो लॉ फॉलो हुआ है
उसको सही से फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके लिए किसी को क्या पनिशमेंट देनी है, ये सारा काम किसका होता है? जुडिशरी का होता है। लॉ मेकर हम लेजिस्लेचर को बोलते हैं और लॉ को फॉलो करवाने के लिए कौन है? एग्जीक्यूटिव है। अब आप मुझे ये बताइए इन तीनों में बड़ा कौन है और छोटा कौन है, बताइए लेजिस्लेचर बड़ा है या एग्जीक्यूटिव बड़ा है या फिर जुडिशरी बड़ी है, क्या बड़ी है इनमें? अब आप बोलोगे बड़ा तो कोई भी नहीं है, क्योंकि लेजिस्लेचर का काम है लॉ को बनाना बट फॉलो करवाने का काम तो एग्जीक्यूटिव का, मतलब दोनों एक ही लेवल पर हैं और सेम जुडिशरी भी कर रही है, वो उनको पनिशमेंट दे रही है, तो तीनों ही इक्वल है, ना ये बड़ा ना ये बड़ा और ना ही ये बड़ा, तीनों में से कोई भी बड़ा नहीं है, तीनों एक ही बराबर है, मतलब सभी को सेम पावर दी गई है, किसी को बहुत ज्यादा डोमिनेंस वाला पर्सन नहीं बनाया है, तीनों एक लेवल पर काम करती हैं, ना कोई कम ना ही कोई ज्यादा। अब एक ही लेवल पर काम कर रही है तो पावर भी सबके पास में सेम है, तो इसीलिए इनको हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये तीनों देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन में वर्क कर रही है, इस टाइप से हॉरिजॉन्टली ये वर्क कर रही है इस काम को, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अगर ये ऊपर नीचे होती तब इनका डिस्ट्रीब्यूशन हॉरिजॉन्टली नहीं होता, तो हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूशन बोलने का मतलब ही यही है कि ये तीनों एक ही लेवल में काम कर रही है, इनको जो पावर डिवाइड हुई है वो एक ही पावर डिवाइड हुई है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये लॉ मेक कर रही है, फॉलो करवा रही है, जुडिशरी है, तो ये अपनी मर्जी से कोई भी लॉ बना सकती है, उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन ने इन पर लिमिट लगाई है कि आप सिर्फ उन्हीं लॉ को बनाओगे या ऐसे ही लॉ मेक करोगे जिससे पब्लिक को प्रॉफिट हो, ना कि अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए। मेजोरिटी ऑफ द पीपल देखा जाएगा कि अगर मेजोरिटी को उस चीज से प्रॉफिट है तब आप उस लॉ को मना सकते हो, अगर उनको प्रॉफिट नहीं है तब आप उस लॉ को नहीं बना सकते। और कई बार क्या है, चांसेस ऐसे हो जाते हैं, जैसे लेजिस्लेचर है, अब इसके माइंड में कुछ गड़बड़ करने की चल रही है कि मेरे को कुछ गलत करना है, कुछ गड़बड़ी करनी है गवर्नमेंट में, कुछ ऐसा लॉ बनाना है जिसकी वजह से मेरा ज्यादा प्रॉफिट हो, तो उस कंडीशन में जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को कंट्रोल करेंगे। जुडिशरी के फर्स्टली ये बात है कि जुडिशरी जो है ना वो सेपरेट है, उसके ऊपर किसी का डोमिनेंस नहीं है, क्योंकि उसको जजमेंट देनी होती है और जजमेंट किसी के प्रेशर में रहकर नहीं दी जाती, तो इसलिए जो जुडिशरी है एग्जीक्यूटिव वो लेजिस्लेचर को अपने कंट्रोल में रखते हैं कि ऐसा ना हो आप कुछ भी लॉ बना दो जो लोगों के अगेंस्ट है, जिससे लोगों को प्रॉफिट ना हो। अब यहाँ पर बात एग्जीक्यूटिव की भी सेम आती है, कई बार जैसे लेजिस्लेचर का माइंड था ऐसे एग्जीक्यूटिव का भी तो माइंड यूज हो सकता है, वो भी तो कुछ इस टाइप से गड़बड़ कर सकती है, तो इसके लिए जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर दोनों ही मिलकर किसको कंट्रोल करेंगे? एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करेंगे कि एग्जीक्यूटिव कुछ भी गलत काम ना कर सके, और कभी कुछ गलत जुडिशरी अगर करने की कोशिश करती भी है या ट्राई करती है तो उसके लिए लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव वो दोनों मिलकर ही किसे कंट्रोल करेंगे? जुडिशरी को कंट्रोल करेंगे। तो मतलब ये तीनों ही एक दूसरे को कंट्रोल कर चलते हैं, जिसकी वजह से कोई भी गलत स्टेप नहीं ले पाता है, इसी ये तीनों एक दूसरे को चेक करते हुए चलते हैं। जब एक दूसरे को चेक करते हुए चल रहे हैं तो इनमें जो बैलेंस की कंडीशन है वो अपने आप ही बनी हुई है, इसीलिए इन्हें चेक इन बैलेंस भी बोला जाता है, क्योंकि एक दूसरे को चेक करते हुए चले, जब चेक कर रहे हैं मैं सामने वाले को चेक कर रही हूँ, सामने वाला उसके आगे वाले को चेक कर रहा है, तो सारे एक लाइन में सीक्वेंस में चलते हैं, किसी में कोई गड़बड़ी के चांसेस है ही नहीं। तो ये था इसका हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूशन, और इनको क्या बोला जाता है, इनको ऑर्गन्स बोले जाते हैं। ये आपके सामने जो है लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, ये तीनों के तीनों ही गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं, तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आ सकता है तो कई बार वो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ अ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और ये क्वेश्चन आपसे सेपरेट भी पूछे जा सकते हैं, लाइक व्हाट इज द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट ऐसे भी पूछ सकते हैं, डिस्क्राइब द हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूशन, एंड डायरेक्टली ये भी पूछ सकते हैं आपसे व्हाट इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जो क्वेश्चन है वो आपसे किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है, इन जो ये इसके ऑर्गन्स है लेवल्स है इनको सेपरेट भी पूछ सकते हैं आपसे सेपरेटली एंड इसको साथ में भी सभी को एक साथ भी पूछ सकते हैं, लाइक आपको फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की बता दो क्या होता है, इस टाइप से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आप साथ साथ में इनको नोट भी करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ये आपके लिए।
जैसा फर्स्ट इन्होंने क्या बोला, इन दिस द पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ये जो पावर है ये डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में ये पावर शेयर की गई है, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तीनों में, तीनों लेवल में ही इन पावर, तीनों ऑर्गन्स में ही इन पावर को शेयर किया गया है। जैसे लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तीनों ऑर्गन्स में पावर को इक्वली शेयर किया गया है, ना कोई ऊपर ना ही कोई नीचे। दिस टाइप ऑफ पावर शेयरिंग इज प्रिवलेंट इन इंडिया। इस टाइप की पावर आपको कहाँ देखने को मिलेगी, इस टाइप की पावर आपको इंडिया में देखने को मिलेगी। इंडिया में यही सिस्टम चलता है पावर शेयरिंग का। ओके, सच सेपरेशन एंश्योर दैट नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। और उन्होंने यहाँ भी ये भी बोला है कि कोई भी ऑर्गन अपनी अनलिमिटेड पावर का यूज नहीं कर सकता। क्यों? ईच ऑर्गन चेक द अदर्स, हर एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को क्या करता है, चेक करता है। उस चेक करने की वजह से दिस रिजल्ट, और रिजल्ट क्या आता है, वो बैलेंस में रहते हैं। किसमें? बैलेंस में रहते हैं, और द पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन। तो और उसके साथ साथ बाकी इंस्टीट्यूशन भी बैलेंस फॉर्म में काम करते हैं। ओके, आई होप आपको हॉरिजॉन्टली जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके आगे देखते हैं इसका फेडरल गवर्नमेंट या फिर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब यहाँ पर तीन लेवल की बात हो रही है। देखो, थ्री लेवल्स ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया। फर्स्ट है आपका यूनियन गवर्नमेंट, सेकेंड है आपका स्टेट गवर्नमेंट, और थर्ड है आपका लोकल गवर्नमेंट, जो कि अर्बन एरिया में म्युनिसिपैलिटीज होती हैं और रूरल एरिया में पंचायत होती है। ये तीन पार्ट में आपकी गवर्नमेंट को शेयर किया गया है। देखो, यहाँ पर फर्स्ट वाली जो गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट, या फिर इसको आप सेंट्रल गवर्नमेंट भी कह सकते हो, वो फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड पे स्टेट, और थर्ड पे लोकल गवर्नमेंट। यहाँ एक ऊपर, एक नीचे, एंड देन उसके नीचे, ये लेवल्स में डिवाइड है। तो यहाँ पर जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा, कम, कम, इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हॉरिजॉन्टली में सारे इक्वल थे, बट लेवल्स में ये इक्वल नहीं है। यूनियन गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, उसके पास में सबसे ज़्यादा पावर शेयर की गई है, उसके पास में सबसे ज़्यादा पावर है। तो उसने क्या करा, अपनी कुछ पावर स्टेट को दे दी, एंड उसके बाद स्टेट ने कुछ पावर किसको दे दी, लोकल गवर्नमेंट को दे दी। और लोकल गवर्नमेंट पे पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज आती है। अर्बन एरिया में म्युनिसिपैलिटीज और गांव वाले एरिया में पंचायत, जो रूरल एरिया में होते हैं। इन फेडरल गवर्नमेंट पर, और इसी सिस्टम को, ये जो लेवल्स में डिवाइड वाला सिस्टम है, इसी सिस्टम को क्या बोला जाता है, फेडरल। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट। इसमें भी सेपरेट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज द फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट पावर इज शेयर्ड बिटवीन अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, उसके पास में जो पावर होती है, वो अपनी कुछ पावर को किसको शेयर कर देती है, स्टेट को शेयर कर देती है। अब बताओ, लाइक ये बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है, दूसरा कलर लेते हैं, देखिए ये बहुत बड़ी कंट्री है, अब इस पूरे को कौन संभाल रहा है, यूनियन गवर्नमेंट संभाल रही है। अब इतनी बड़ी कंट्री को यूनियन गवर्नमेंट कैसे संभालेगी, क्या वो डीपली जो छोटे छोटे इश्यूज है, स्टेट के इश्यूज है, उनको सॉल्व कर पाएगी, ये वो सेंट्रल इश्यूज सॉल्व करेगी, तो थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। इसलिए उनने कहा, अब एक के अंडर में पावर रहने पे वो पर्सन डोमिनेंट पर्सन हो जाता है, वो दूसरे पर अपना कंट्रोल करने लगता है। इसलिए जब पावर को शेयर किया गया तो हर स्टेट को थोड़ी थोड़ी क्या दे दी गई, पावर दे दी गई। ये स्टेट है, हर स्टेट को थोड़ी थोड़ी पावर दे दी गई। स्टेट को जो पावर दी है यूनियन गवर्नमेंट, उन्होंने ये कहा है कि स्टेट अपनी मर्जी से अपने स्टेट में कुछ भी कर सकता है, उसको यूनियन गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वो उसका स्टेट है तो वो अपने अकॉर्डिंग वहां के लिए डिसीजन ले सकता है। बट यही बात अगर हम लोकल गवर्नमेंट की करें
तो लोकल गवर्नमेंट को पावर तो दी गई है कि आप वर्किंग कर सकते हो, काम कर सकते हो, छोटे मोटे कुछ चीजें उसके अंडर में भी हैं, बट जो अगर थोड़ी सी कोई और बड़ी परमिशन काम करने पड़ते तो उसको परमिशन लेनी पड़ती है। देखिए स्टेट और यूनियन टेरिटरी में डिफरेंस होता है। स्टेट का जो मिनिस्टर होता है ना, पावर उसको दी गई है कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। वहीं अगर जो यूनियन टेरिटरी का मिनिस्टर होता है उसको सेंट्रल से परमिशन लेनी पड़ती है। सिर्फ कुछ चीजें उसके अंडर में होती हैं, बाकी सारी चीजों के लिए उसको किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत होती है, यूनियन गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत होती है। और बाकी जो स्टेट मिनिस्टर होता है, सीएम होता है, वो अपने स्टेट के लिए सारे काम खुद कर सकता है विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के। लोकल गवर्नमेंट को किस लिए बनाया गया, अभी बताती हूँ। लोकल गवर्नमेंट को आपके रीजनल लैंग्वेज की वजह से बनाया गया था, आपकी जो कम्युनिटी होती है उसकी वजह से बनाया गया था लोकल गवर्नमेंट को। हम और अच्छे से, अगला टॉपिक यही है कम्युनिटी गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट, उसको पढ़ेंगे। इन दिस द पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। दिस टाइप ऑफ पावर शेयरिंग इज प्रीवेलेंट इन द यूएसए। इस टाइप की पावर शेयरिंग आपको कहाँ देखने को मिलेगी, इस टाइप की पावर शेयरिंग आपको यूएसए में देखने को मिलेगी। यूएसए में इस मेथड को यूज किया जाता है पावर शेयरिंग के लिए। ओके, सबसे ज्यादा पावर किसके पास में है, सेंट्रल के पास में है, उसके बाद कुछ पावर स्टेट के पास में। स्टेट को सेंट्रल से क्या परमिशन लेने की जरूरत है, नहीं, कोई जरूरत नहीं, वो अपने अकॉर्डिंग सारे डिसीजन ले सकती है। और उसके बाद जो कुछ पावर है वो बाकी लोकल गवर्नमेंट को दी गई है। आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लिखी गई थी। कुछ इश्यूज ऐसे आ जाते हैं जिसमें स्टेट भी डिसीजन ले सकती है और सेंट्रल भी डिसीजन ले सकते हैं, लाइक एजुकेशन, तब बताइए किसकी मानी जाएगी, किसके रूल्स को फॉलो किया जाएगा, सेंट्रल के या फिर स्टेट के। थोड़ी सी कंफ्यूजन है ना। अब देखो सिंपल सी बात है, जो पापा है मीन्स जो बड़ा है उसी की मानी जाएगी ना। तो यहाँ पर सेंट्रल मिनिस्टर के या फिर यूनियन गवर्नमेंट का जो डिसीजन होगा उसको फॉलो किया जाएगा। बट अगर आपके स्टेट के अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा भी इधर उधर होता है उसको तो फॉलो किया जाएगा, पर थोड़े से आप चेंजेस उसमें कर सकते हो। ठीक है, ये है आपकी स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट, एंड अदर पावर किसको दी गई है, लोकल गवर्नमेंट को दी गई है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स एंड रेगुलेशन बनने के बाद में आई हैं, जैसे टेक्नोलॉजी में मोबाइल फोन, नेटवर्क, ये किसके अंडर में जाएंगे, कंप्यूटराइजेशन, बहुत सारी चीज़ें बाद में आई हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन ये रूल्स एंड रेगुलेशन लिख चुके थे, चीज़ें डिवाइड हो चुकी थी, पावर डिवाइड हो चुकी थी, उसके बाद में आई हैं। अब वो किसके अंडर में जाएंगे, स्टेट के अंडर में या सेंट्रल के या लोकल गवर्नमेंट के। जैसे हमारे एरिया के नेटवर्क की बात है, किसके अंडर में जाएंगी, तब ये चीज़ें जाएंगी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। कोई भी चीज़, अब जो चीज़ें आ रही हैं वो सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जाएंगी, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में नहीं जाएंगी। ओके, आई होप आपको ये जो लेवल्स हैं ये भी क्लियर हो गए होंगे। अब चलिए अपना एक नया टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स इन सम कंट्रीज। देयर आर constitutional and legal arrangement whereby socially weaker section and women represented in the legislature and administration. अब देखिए एक next point है ये हमारा, जिसमें है power sharing among different group, social groups. Social group वो, अब यहाँ पर सबको power share कर दी गई, क्या उस social group को भी power share की गई है जो weaker section है society में, जैसे scheduled caste, शेड्यूल ट्राइब्स, क्या इनको भी पावर शेयर की गई है? क्योंकि अगर इनको हम पावर शेयर नहीं करेंगे तो ये हमारी ही कंट्री में रहते हुए एलिनिएटेड फील करेंगे, इनको अलोन फील होगा, और अलोन फील होगा, लोनली फील होगा, तो कौन सी सिचुएशन आ जाएगी? रिकैप करो अपना चैप्टर, अगर हम इनको पावर नहीं देंगे, गुड, श्रीलंका, श्रीलंका वाली सिचुएशन आ जाएगी। तो आज ये हमारे अगेंस्ट स्टैंड नहीं लेंगे तो कुछ टाइम बाद तो ये जरूर स्टैंड लेंगे, हमारे अगेंस्ट में जाएंगे। तो इसलिए अगर हम पहले ही इनको थोड़ी बहुत पावर दे दें तो क्या ये कभी स्टैंड लेंगे हमारे अगेंस्ट? नहीं, बल्कि कंट्री में यूनिटी बनी रहेगी और सब साथ मिलकर किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। इसीलिए वीकर जो सेक्शन है, शेड्यूल ट्राइब्स है, एंड जो शेड्यूल
कास्ट है या फिर वेमेंस भी इसमें आ जाती हैं, तो सभी के लिए कुछ सीटों को पहले ही रिजर्व कर दिया गया है, जिससे इन लोगों को भी तो मौका मिले आगे आने का। इसमें ये नहीं है कि हम बाकी लोगों के साथ अनइक्वालिटी कर रहे हैं, बल्कि इनके साथ इक्वालिटी कर रहे हैं, क्योंकि जो अदर पीपल हैं उनके पास तो वैसे ही सोर्स है आगे बढ़ने का, उनके पास में तो पावर है कि वो आगे बढ़ सकते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ फेस करनी पड़ती है जब इन लोगों के पास ऑप्शन नहीं है आगे, लोगों के पास में मौका नहीं है आगे बढ़ने का, इनको भी तो एक चांस मिलना चाहिए। देखो जो अदर कास्ट है, जनरल कास्ट वाले लोग हैं, वो तो वैसे ही पावरफुल है, वो तो ऊपर की साइड में उठ जाते हैं, बट प्रॉब्लम किसको फेस करनी पड़ती है? प्रॉब्लम उन लोगों को फेस करनी पड़ती है जो कंट्री के वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, क्योंकि उनको कोई भी चांस नहीं देना चाहता कि वो आगे बढ़े। अब उनको आगे बढ़ने के लिए गवर्नमेंट को ही तो एक स्टेप आगे उठाना पड़ेगा, और वो लेवल तो यहाँ पर है, जो जनरल पीपल है वो तो पहले से ही यहाँ पर है, तो ये वाले जो यहाँ पर थे इनको यहाँ तक लाने के लिए कुछ स्टेप तो गवर्नमेंट को खुद ही बढ़ाने पड़ेंगे ना, कि इस इक्वालिटी तो तब होगी जब ये दोनों एक लेवल पर आएंगे, बट एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो एक लेवल पर लाने के लिए दोनों को ही इनको थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा। और वो पुश करने का ही काम क्या करते हैं, ये जो रिजर्व सीट्स होती हैं ये करते हैं। देखो एक टाइम बाद ये चीजें हटा देनी चाहिए, क्योंकि मैं इस चीज को फॉलो नहीं करती कि आपको रिजर्वेशन देना है या नहीं देना, बट हाँ इनके साथ इक्वालिटी करने के लिए आपको रिजर्व सीट देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी हिस्ट्री चेक करें तो उसमें हमने देखा है जो वीकर सेक्शन है इनके साथ किस टाइप का बिहेव किया जाता था, क्या वो बिहेव करना सही था? अगर हम पहले से ही सबको साथ में लेकर चलते तो आज ये चीजें हमें देखने को नहीं मिलती, बट हमने उस टाइम जो इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, कास्टिज्म होता था, कास्ट के बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन था वो बहुत ज्यादा था, उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने इनको भी एक रिजर्व सीट्स दी है। अगर ये नहीं देते तो ये लोग अपने आप को हमारे में कंट्री में रहने के बाद भी क्या समझते, एलिनिएटेड फील करते हैं, इनको ऐसा फील होता कि हमारी कंट्री का पार्ट ही नहीं है, तो कभी ना कभी ये श्रीलंका की तरह कंट्री में भी सिविल वॉर होती है, और उससे बचने का सबसे अच्छा मौका है कि कुछ सीट्स दे दो इनको भी, जैसे वुमेन रिप्रेजेंट इन द लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके थ्रू ही आज हम देखते हैं कि अब वुमेन्स भी बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, और आपको प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर वुमेन्स भी देखने को मिलेंगी। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग सोशल ग्रुप्स सच एज लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस फोर्स फॉर इंटेंस कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। अब यहाँ पर जो ये सोशल ग्रुप को जो पावर शेयर की गई है ना, वो उनके लिंग्विस्टिक बेस पे दी गई है, कि जरूरी नहीं है कि आपको पूरे कंट्री का, यूनियन का या सेंट्रल का बनाओ, आप स्टेट का बनाओ, आप ये भी कर सकते हो ना, जहां पर उनकी मेजोरिटी है वहां का लीडर उन्हीं को चूज करने दो, लिंग्विस्टिक बेस पे लीडर बनाओ, उनके जो रिलीजियस बेस है उनके बेस पे लीडर बनाओ, कम्युनिटी गवर्नमेंट जैसे बेल्जियम ने किया था कम्युनिटी गवर्नमेंट के अंडर में, कि जो उनकी कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी थी कैसे बन रही थी, जिस लिंग्विस्टिक के ग्रुप है वहां बना दो, एजुकेशनल कल्चर वो अपने अकॉर्डिंग अपना लीडर जो पीपल्स है वो खुद चूज अपने एरिए में, अपने स्टेट में या अपने कम्युनिटी में वो अपना लीडर खुद चूज कर लेंगे, अपने लिंग्विस्टिक के बेस पे, अपनी लैंग्वेज के बेस पे, अपने रिलीजियस एंड अपने कल्चर के बेस पे वो अपना जो लीडर है वो खुद चूज कर लेंगे। तो जैसा बेल्जियम ने किया था वैसा ही करना चाहिए। और इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मीन टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप हु अदरवाइज वुड फील एलिनिनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। इस अरेंजमेंट से क्या होता है, गवर्नमेंट को स्पेस मिल जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन को स्पेस मिलता है, उनको रिस्पेक्ट मिलती है कि गवर्नमेंट बहुत अच्छे से काम कर रही है, अगर वो उन लोगों को पावर नहीं देगी तो उनको हमारे कंट्री में रहते हुए भी कैसे फील होगा, फील एलिनिएटेड, उनको बहुत ज्यादा बुरा फील होगा, और बुरा फील होने का एक रिजल्ट तो आप पहले ही देख चुके हो, मेजोरिटी वाला सारी वीडियो देख लेना तब चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो वही इन सोशल ग्रुप को भी ऐसा फील ना हो, डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट कर लो, तभी कंट्री में यूनिटी बनी रहती है, एक यूनाइटेड कंट्री बनती है। ओके, अगर आप डिफरेंसेस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो फिर आपको सिविल वॉर या कॉन्फ्लिक्ट्स को फेस करना पड़ेगा, अगर आप डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हो तब आपको एक यूनिटी को फेस करना पड़ेगा। ओके, दिस मेथड इज यूज्ड टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटी अ फेयर शेयर इन पावर, और इस मेथड से हम जो माइनॉरिटी ग्रुप है, माइनॉरिटी कम्युनिटी ग्रुप है, उनको भी एक फेयर शेयर करते हैं क्या, पावर। एंड अपना एक नेक्स्ट टॉपिक को बढ़ते हैं, जो हमारा इसका सबसे लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, अदर टाइप ऑफ पावर शेयरिंग। अदर टाइप ऑफ पावर शेयरिंग क्या होती है, इसमें देखो क्या होता है, सच अ कॉम्पिटिशन, पावर डजंट रिमेन इन
वन हैंड इसमें क्या है कि पॉलिटिकल जो पावर होती है ना हमारी, वो किसी पर्टिकुलर एक पर्सन के हाथ में नहीं होनी चाहिए। अगर एक पर्सन के हाथ में सारी की सारी पॉलिटिकल पावर होगी तो वो सब पर अपना डोमिन करेगा, सब पर अपना कंट्रोल रखेगा, जो कि कंट्रोल रखने के बाद मूवमेंट स्टार्ट होते हैं, रेवोल्यूशन स्टार्ट होते हैं। इसलिए पावर शेयर करना इज अ गुड मेथड। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी क्या होती हैं? जो इलेक्शन में वोट मांगने आते हैं, जो पहले ही आते हैं कि हमें वोट दे दीजिए, हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं, हम आपके सारे काम कर देंगे, आपके लिए स्कूल बनवाएंगे, कॉलेज बनवाएंगे, वाटर की सप्लाई अच्छी होगी, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी होगी, इन्हीं नामों पर वोट मांगे जाते हैं। वो होती है क्या? पॉलिटिकल पार्टी दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप। वो क्या फेस करवाती है? वो फेस करती है डिफरेंट टाइप ऑफ आइडियोलॉजी फेस करती है। वो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी होती है क्या सारी की सबकी जो आइडियोलॉजी होती है वो सेम होती है? सेम नहीं होती है, सबकी डिफरेंट होती है। ठीक है, सोशल ग्रुप क्या सभी एक ही सोशल ग्रुप से होते हैं? सब अलग अलग, कोई जनरल, कोई एससी, कोई एसटी, कोई ओबीसी, सारे के सारे अदर सोशल ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पर पार्टी प्रेशर भी होता है एंड मूवमेंट भी स्टार्ट होते हैं। देखो पॉलिटिकल पार्टी आपको समझ में आ गया, अब हम पढ़ेंगे पार्टी प्रेशर क्या होता है। पार्टी प्रेशर या ग्रुप प्रेशर भी बोल सकते हो। ग्रुप प्रेशर वो होता है जिसमें कोई पर्टिकुलर ग्रुप होता है, लाइक फार्मर्स हो गए, ड्राइवर्स हो गए, इनको सैलरी नहीं पहुंचाई जा रही है। ठीक है, अब इनका प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर बनेगा, कैसे बनेगा? फार्मर्स है, अब फार्मर्स की कुछ डिमांड है, अब फार्मर्स की कुछ डिमांड है जो उनको एग्रीकल्चर में प्रॉफिट करेगी, बट गवर्नमेंट उनकी इस डिमांड को मान नहीं रही है, उनकी इस डिमांड को वो डिनाई कर रही है। अगर गवर्नमेंट फार्मर्स की, गवर्नमेंट अगर फार्मर्स की जितनी भी डिमांड है उनको डिनाई करेगी तो क्या फार्मर्स उनको वोट देंगे नेक्स्ट टाइम? नहीं देंगे। और इस चीज का प्रेशर किसके ऊपर बना रहता है? पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर बना रहता है। अगर वो उसके बाद भी इनकी बातों को नहीं मानते, उनकी डिमांड को फॉलो नहीं करते हैं, तब वो क्या स्टार्ट कर देते हैं? मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए बिजनेसमैन, फार्मर, इंडस्ट्रियलिस्ट, वर्कर, ये सारे के सारे क्या करते हैं? प्रेशर बनाकर रखते हैं पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर बहुत ज्यादा, अगर इनकी डिमांड को, क्योंकि देखो आधा सा काम तो ये हमारे वर्किंग पॉपुलेशन होती है, आधा से ज्यादा काम तो यही लोग करते हैं। यही लोग काम करना बंद करेंगे तो कंट्री रन कैसे करेगी, कंट्री चलेगी कैसे? इसलिए गवर्नमेंट को इनकी बातों को मानना पड़ता है, कि इनकी लीगल बातों को मानना पड़ता है। अब इनकी जो डिमांड है गवर्नमेंट ने मान लिया तो सही, अगर गवर्नमेंट इनकी डिमांड को नहीं मान रही है तो वह मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं, हड़ताल स्टार्ट कर देते हैं, जगह जगह पर धरना लड़ने लग जाते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा इनके ऊपर प्रेशर रहता है, कंपटीशन बना रहता है गवर्नमेंट के अंदर में। अगर इस बार लोगों को पता है इस वाली गवर्नमेंट ने हमारी डिमांड नहीं मानी तो नेक्स्ट टाइम कोई दूसरी गवर्नमेंट आने के चांसेस बने रहेंगे। गवर्नमेंट भी ये जानती है, जो भी रूलिंग पार्टी में है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो ये जानती है, अगर इस बार हमने काम नहीं किया तब क्या होगा? जो दूसरी गवर्नमेंट है नेक्स्ट टाइम वो आ जाएगी। लोग हमेशा उसे वोट देते हैं जो गवर्नमेंट काम करती है, तो गवर्नमेंट को इसलिए काम करना जरूर होता है और यही कंपटीशन है। बट इस कंपटीशन, ये जो कंपटीशन होता है अच्छा भी है और बेकार भी है। कंपटीशन अच्छा ये है कि लोगों के पास में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, इतनी सारी पार्टी है, इतना कंपटीशन फेस करना पड़ता है जिससे काम तो हो जाते हैं बट लोग अपने जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो खुद विन होने के लिए, रूलिंग पार्टी खुद जी, जो भी पार्टी को जीतना चाहती है वो किसी भी हद तक जा सकती है। इसलिए कंपटीशन थोड़े से नेगेटिव भी हैं। बाकी कंपटीशन से पीपल्स को बहुत ज्यादा फायदा होता है क्योंकि यहाँ पर आपको एक वर्किंग गवर्नमेंट मिलती है, एक बेटर गवर्नमेंट आपके सामने निकल कर आती है। अब यहाँ पर एक है आपका कोलिजन गवर्नमेंट। कोलिजन गवर्नमेंट क्या होता है? देखो अगर आपको जीतने के लिए मेजोरिटी चाहिए होती है, आपके पास टोटल 200 सीट्स हैं। अब इन 200 सीट्स में से आपको जीतने के लिए 101 सीट चाहिए। अब 101 सीट्स में से आपको सिर्फ कितनी मिली? 100 मिली। अब आप कैसे गवर्नमेंट चलाओगे क्योंकि आपकी तो आधी है। अब आप क्या करोगे? किसी दूसरे पर्सन से उसकी एक सीट खरीद लोगे। अब आपकी कितनी हो गई? अब आपके आपके पास में सीट हो गई 101 सीट हो गई। अब मेजोरिटी आपकी बन गई 100 सीट, तो आपकी एक सीट आपने किसी और से ले ली। आप बताइए, या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हो,
जैसे आपके पास में 60 सीट्स हैं, किसी दूसरे पर्सन को आपको टोटल 60% सीट्स की जरूरत है, ठीक है, किसी को मिले हैं 50, किसी को 20, किसी को 10, किसी को 2, अब आपको कितने चाहिए, आपको तो 60% चाहिए। अब आप क्या करोगे, ये पार्टी ए, ये पार्टी बी, ये पार्टी सी, ये पार्टी डी, किसी को सिर्फ 2 ही सीट मिली, किसी को 10 मिली, किसी को 20 मिली, किसी को 50 मिली है, अब मेजोरिटी तो किसी को मिली मिली। अब इस कंडीशन में आप क्या करोगे, आप बी से बात करोगे कि ए प्लस बी अगर हम दोनों मिल जाएं तो क्या कोलिजन गवर्नमेंट बन सकती है। इसी को कोलिजन गवर्नमेंट बोलते हैं, जब दो ग्रुप मिलकर एक गवर्नमेंट बनाते हैं तब उसे क्या बोलते हैं, कोलिजन गवर्नमेंट बोलते हैं। अब ए के पास कितने हैं 50 और बी के पास में कितने हैं 20, अब यहाँ पर टोटल कितने हो गए 70% सीट्स, तो मेजोरिटी इनकी हो गई, तो गवर्नमेंट किसकी बनेगी, ए और बी की मिली जुली सरकार बनेगी जिसे कोलिजन गवर्नमेंट बोलते हैं। वो बोलेंगे ठीक है, ए वाली जो पार्टी है वो बोलेगी ठीक है चलो पीएम तुम्हारा हो गया, वो सीएम उस पार्टी का हो गया, मतलब जो अपने लीडर्स हैं वो एक जगह पर एक मिनिस्टर के बैठ जाएगा, दूसरी जगह पर दूसरा, वो मिलजुल कर गवर्नमेंट चला लेंगे और लास्ट टाइम तक वो मिली जुली सरकार ही 5 ईयर तक चलती रहेगी। इसी को क्या बोलते हैं, कोलिजन गवर्नमेंट बोलते हैं। ओके, अभी आपके सारे टॉपिक क्लियर हो गए, आई होप आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ रही होगी। मैंने एक पॉइंट बोला था जिसको कि मैंने बोला था कि मैं लास्ट में बताऊंगी, चलिए उस टॉपिक को थोड़ा सा देख लेते हैं क्या था उसमें। ये रहा पावर शेयरिंग, मैंने कहा था मैं पावर शेयरिंग को बाद में बताऊंगी कि पावर शेयरिंग क्या होता है। अब आपने सारी चीजें पढ़ ली, सारी चीजें क्लियर हो गई, आपको ये भी पता चल गया कोलिजन गवर्नमेंट क्या होती है, पावर किस लेवल में डिवाइड होती है, कितने ऑर्गन्स होते हैं, बेल्जियम का क्या मेथड था, एम्स्टर्डम का क्या मेथड था, पावर शेयरिंग कैसे की जाती है, किसके लिए की जाती है, किसको कितनी पावर दी जाती है, सारी चीजें मैंने आपके सामने क्लियर कर दी है। अब पावर शेयरिंग समझते हैं। देखो, इन अ डेमोक्रेसी गवर्नमेंट बाय द पीपल, एनी वन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट डू नॉट ओन ऑल पावर। इन्होंने यहाँ पर साफ साफ कहा है कि डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट में किसी भी एक पर्सन के हाथ में सारी पावर नहीं होती, पावर को क्या किया जाता है, बांट दिया जाता है, या फिर ये कह सकते हो शेयर कर दिया जाता है। तो यही है हमारी पावर शेयरिंग, जिसमें हमारे पास जो पावर है वो बांट दिया जाए। थोड़ा सा स्टार्टिंग में फील हो रहा था कि मतलब आपके पास ज्यादा सा है, आप किसी को थोड़ी पावर दे रहे हो तो आपको तो थोड़ा सा बुरा फील होगा, बट कंट्री के लिए यही बेस्ट है कि कोई अपनी पावर बांटना चाहेगा नहीं, कोई नहीं बांटना चाहता अपनी पावर को, बट फिर भी पावर उनके लिए बेटर नहीं है, वो तो कोई भी नहीं चाहेगा कि अपनी पावर बांटो, बट जो कंट्री के लिए बेस्ट है यहाँ पर वो चीजें देखी जाएंगी। पावर इज शेयर्ड अमंग, देखो पावर शेयर किसमें होते हैं, लेजिस्लेचर क्या करते हैं, लॉ मेकर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, डिसीजन मेकर, एंड जुडिशरी क्या होती है, कोर्ट सिस्टम संभालते हैं इन द डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक के अंदर पावर शेयर ऐसे होती है, इन ऑर्गन्स के बीच में होती है, जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री होती है उनमें सारे डिसीजन ऐसे लिए जाते हैं, इन ऑर्गन में डिवाइड होती है, जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सारी चीजें वो देखते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये सारे मिलकर ही रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं जिसको एग्जीक्यूटिव क्या करता है, फॉलो करवाता है, एंड जुडिशरी तो आपको पता है क्या काम करती है, जो कि जजमेंट देती है। तो ये चैप्टर अब आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, आई होप आपको सारी चीजें डीपली क्लियर हो गई होंगी, किसी को फिर भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में करके कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।